हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्बानिया के इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अल्बानिया आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। इसके उत्तर पश्चिम में मॉन्टीनेग्रो के बॉर्डर, उत्तर पूर्व में कोसोवो की बॉर्डर और दक्षिण पूर्व में ग्रीस की बॉर्डर है। इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर का समुद्र तट है। वर्तमान अल्बानिया क्षेत्र डालमेसिया, मैसिडोनिया और मोएसिया के रोमन प्रांत का ही एक भाग है। बाल्कन युद्ध के पश्चात जब यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह से गिर चुका था, तभी अल्बानिया ने 1912 में आज़ादी की घोषणा की थी। अल्बानिया राज्य पर 1939 में इटली ने आक्रमण किया था, जिसके चलते 1943 में नाजी जर्मन के हिस्सा बनने से पहले ग्रेटर अल्बानिया की स्थापना की गई थी। इसके अगले साल इनवर होक्सा और लेबर पार्टी की लीडरशिप में सामाजिक नागरिक गणराज्य की स्थापना की गई थी, और साम्यवादी युग में अल्बानिया में काफ़ी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले, और साथ ही बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का अलगाव भी देखने को मिला। 1991 में सोशलिस्ट रिपब्लिक को भंग किया गया और रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया की स्थापना की गई। अल्बानिया एक संसदीय गणतंत्र वाला राष्ट्र है। इस देश की राजधानी तिराना इसका औद्योगिक और आर्थिक गढ़ है, जहां देश की तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। मुक्त बाजार सुविधाओं ने देश में विदेशी निवेश के द्वार खोल रखे हैं। विशेषतः इस वजह से देश में यातायात और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिला है। अल्बानिया की मानव विकास सूची यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ऊंची है, और यहाँ देश के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अल्बानिया की आर्थिक व्यवस्था उच्च और मध्यम वर्गीय आय पर निर्भर करती है, और देश की ज़्यादातर आय भी सर्विस सेक्टर से ही मिलती है। इसके बाद आय के मुख्य स्रोतों में औद्योगिक और कृषि क्षेत्र का समावेश है। अल्बानिया यूनाइटेड नेशंस, नाटो, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संस्था, काउंसिल ऑफ यूरोप, इस्लामिक सहयोग संस्था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है। साथ ही यह देश एनर्जी कम्युनिटी, ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन यूनियन का भी संस्थापक सदस्य है। अब हम अल्बानिया के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वर्षों को जान लेते हैं। तो मैं इन वर्षों को एक एक कर आप लोगों को बताता जाता हूं, और इन वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उन्हें भी एक एक कर आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो ये वर्ष हैं 1939, जिसमें कि दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से कुछ समय पहले ही इटली ने अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया, और किंग जोग वन यानी कि जोग प्रथम भाग कर ग्रीस चले गए, और 1941 में इनवर होक्सा नए अल्बानियन साम्यवादी पार्टी के मुखिया चुने गए, और तिराना को देश की राजधानी बनाया गया। 1943 में जर्मन सेना ने आक्रमण किया और इटालियन लोगों को सरेंडर करने के बाद अल्बानिया को हासिल कर लिया। 1944 में कम्युनिस्ट प्रतिरोध के बाद जर्मन को देश से बाहर निकाला गया, और इनवर होक्सा को देश के नए लीडर के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में आधिकारिक तौर पर देश से असाम्यवादियों को बाहर किया गया, यानी कि नन कम्युनिस्टों को देश से बाहर किया गया, और 1948 में अल्बानिया ने यूगोस्लाविया के साथ अपने संबंधों को तोड़ा, और सोवियत संघ ने अल्बानिया को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। 1955 में अल्बानिया वारसो पैक्ट का संस्थापक सदस्य बना। 1985 में तकरीबन आधी शताब्दी तक राज करने के बाद स्टालिनवादी तानाशाह इनवर होक्सा की मृत्यु हो गई। 1989 यानी कि 1989 में साम्यवादियों ने पूर्वी यूरोप में शासन किया, और 1990 में स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी की रचना की गई, और अल्बानियन लोगों को विदेशों में यात्रा करने का अधिकार दिया गया। 1991 में बहु पार्टी चुनाव में यानी कि मल्टी पार्टी चुनाव में साम्यवादी पार्टी और गठबंधन ने कुल 250 में से 169 यानी कि 169 सीटें अपने नाम की, और नई डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी 75 सीटों को अपने नाम करने में सफल हुई। और 1992 में यानी कि 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव जीता, और पार्टी के लीडर साली ब्रिसा
पहले प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। 1999 में नाटो ने यूगोस्लाव मिलिट्री के खिलाफ हवाई हमला किया और कोसोवो में हजारों भागने वाले लोगों पर सर्बियन सेना ने आक्रमण किया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर शरणार्थियों ने अल्बानिया से पलायन किया था। 2009 में अल्बानिया आधिकारिक रूप से नाटो में शामिल हो गया और यूरोपियन संघ की सदस्यता के लिए आवेदन किया। 2014 में यूरोपियन कमीशन ने अल्बानिया को यूरोपियन संघ का सदस्य घोषित किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना अल्बानिया के इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।